हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। वर्ल्ड हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, किस दिन ये मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 14 सितंबर। तो आपको बता दें कि हिंदी दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है भारत में 14 सितंबर को। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में और काफ़ी सारे संस्थान जो होते हैं वहाँ पर हिंदी दिवस को मनाया जाता है। हिंदी भाषा के जो है उसको जो हो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इट वॉज़ ऑन दिस डे इन 1949 दैट हिंदी वॉज अडॉप्टेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 1949 में यह हुआ था। और हिंदी दिवस नॉट ओनली स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द लैंग्वेज बट ऑल्सो अप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ इट। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत ने किस कंट्री को एज अ गेस्ट G20 में इन्वाइट करने की बात कही है? सही जवाब है इसका बांग्लादेश। तो आपको बता दें कि इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इन्वाइट बांग्लादेश एज अ गेस्ट कंट्री टू टेक पार्ट इन द G20 मीटिंग ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत को इस बार प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला है। अलॉन्ग विद बांग्लादेश इंडिया हैज़ विल ऑल्सो बी इन्वाइटिंग इजिप्ट, मॉरिशियस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, ओमान, स्पेन एंड UAE एज द गेस्ट कंट्रीज। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इंडिया विल प्ले इन द मेन्स T20 वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ विच प्लेयर? द राइट आंसर इज रोहित शर्मा। सो BCCI ने ये अनाउंसमेंट करा है कि इंडिया की जो स्क्वाड होगा वो क्या रहने वाला है, इस बात की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है। रोहित शर्मा जो है वो कप्तानी का कारोबार संभालेंगे, KL राहुल को वाइस कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को टीम में जगह दी गई है, उनकी वापसी हुई है, वर्ल्ड कप में वो खेलने वाले हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो आपको बता देते हैं, HDFC बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी एलिमिनेट्स द फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन एसोसिएटेड विद अ बैंक गारंटी एंड इट बिकम्स अवेलेबल डिजिटली टू द बेनिफिशियरी। अगले सवाल पर पढ़ते हैं। एज पर UN रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल ग्लोबली वर लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी इन 2021? 2021 में मॉडर्न स्लेवरी में ग्लोबली UN रिपोर्ट के हिसाब से कितने लोग रह रहे हैं? इसका जो सही जवाब है वो है 50 मिलियन। बहुत बड़ा नंबर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाई यूनाइटेड नेशंस, अराउंड 50 मिलियन पीपल ग्लोबली वर लिविंग इन द मॉडर्न स्लेवरी इन 2021। एज पर द रिपोर्ट, COVID-19 पैंडमिक लेड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फोर्स्ड मैरिजेस इन द कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड इजिप्ट। अगले सवाल पर पढ़ते हैं। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्म फोर्सेज? किस आर्म फोर्सेज के द्वारा पर्वत प्रहार एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की जा रही है? सही जवाब है इंडियन आर्मी। तो आपको बता दें कि पर्वत प्रहार जो है वो 20-day लॉन्ग एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी जो है कंडक्ट कर रही है। द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड अमिड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इन गोरगा हॉट स्प्रिंग एरिया इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 मेंस कैटेगरी में किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। इसका सही जवाब, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। अब एक सवाल आपके लिए, इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। विच गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम? कौन सी मिनिस्ट्री ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शंस आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।